नमस्कार दोस्तों, मैं हरिहर, आपको हमारा चैनल टॉक ए टॉपिक में स्वागत है। इसमें हम तमाम हफ्ते की बिजनेस अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें मार्केटिंग, फिनांस, इकोनॉमी और शेयर मार्केट से प्रश्न लिया गया। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो बैंकिंग, CA और किसी भी एंट्रेंस की हो, ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पहला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय धातुओं और फेरों के लिए विस्तार योजनाओं की अनुमति दी है? ये ओडिशा। इंडियन मेटल्स एवं फेरो अलॉयज लिमिटेड ने ओडिशा के जयपुर जिला की कलिंगनगर में एक्सपांसन करेगा। इसको स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्रिएशन अथॉरिटी ने अनुमोदन दिया। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने आरबी प्रीमियम दास के अपना महासचिव नियुक्त किया? ये एनआरपीसी, मतलब एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है। अगले सवाल, कौन सी कंपनी 500 EVS लिथियम शहरी तकनीक लिमिटेड की आपूर्ति करेगी? यह टाटा मोटर्स। नया गाड़ियों जैसा टीगर सेडान EV, नेक्सन EV लॉन्च करेगी। अगले सवाल, हाल ही में ताज ने किस शहर में अपना नया होटल खोला है? ये तिरुपति। ये एक इंडिया का आइकॉनिक ब्रांड कंपनी है। आप ध्यान रखें कि इसका MD एंड CEO है पुनीत चतवाल। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने महिलाओं को स्पोर्ट्स उद्यमियों के लिए बीज निधि प्रदान की है, मींस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो प्रोवाइड की सीड फंड ने? ये है MRPL, मतलब मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। और IIM कोझिकोड ने ये फैसला लिया। MRPL और IIM कोझिकोड और IIM लाइव ने जॉइंटली लॉन्च किया ला ईव। अगले सवाल, हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने वित्तीय एजेंसी के साथ पवित्र बीमा उत्पाद की पेशकश की है, ये फिनो है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और फिनो पेमेंट्स बैंक ने डेंगू और मलेरिया की इलाज के लिए कवर करने के लिए लगभग 10,000 रुपये, वो भी 49 रुपये की प्रीमियम ले लॉन्च किए हैं। अगले सवाल, हाल ही में स्टेंटम माइक्रो क्रेडिट किस सेवा कंपनी की खरीदता है? ये अल्टूरा फिनेंशियल सर्विसेज के। मंदी बिक्री के बजाय CML ने दिल्ली बेस्ड अल्ट्रा फिनेंशियल सर्विस को खरीदा। अगले सवाल, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म के मालिक बाय कंटेंस ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग शुरू करने की योजना बनाई? म्यूजिक स्ट्रीमिंग, यह टिकटॉक। लगभग अगले हफ्ते के अंदर बाइट डांस ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग को लॉन्च करेगी, वो भी इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील में। अगले सवाल, हाल ही में भारत GM के रूप में कोरा कौन शामिल हुआ? इसमें गुरुमीत सिंह। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म कोरा ने याहू इंडिया MD गुरमीत सिंह को हायर किया। ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है जो 2009 में बना था। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी
लाल वाला बटन को दबाइए। अगला सवाल, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने वैश्विक ब्रांड फीडर फंड लॉन्च किया? ये सुंदरम म्यूचुअल फंड है। सुंदरम ने लॉन्च किया फंड के फंड वो एसजीबीएफ मतलब सुंदरम ग्लोबल ब्रांड फंड, और ये निवेशक को प्रोवाइड करेगी इंटरनेशनल इक्विटीज़ में वो पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने सेबी अनुपालन वास्तविकता पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं की शुरुआत की? ये स्मार्ट ओनर है। स्मार्ट ओनर एक संपत्ति निवेश फर्म, इसने स्मार्ट ओनर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो सेबी रजिस्टर्ड रियल इस्टेट के साथ रेगुलर कैश फ्लोज और आकर्षण करने की वाला ग्रोथ लाएगी। अगले सवाल, हाल ही में किस बैंक ने बुद्धि डिजाइन उपकरण उठाया? इंटेलेक्ट डिजाइन, ये फिलीपाइंस है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना ने बताया कि फिलीपाइंस बिजनेस बैंक डिजिटल कोर सॉल्यूशन की पसंद किया आईडीसी 19.1 की तहत। अगला सवाल, हाल ही में ओयो के स्वतंत्र निदेशक कौन बने? यो बेट्सी एटकिंस, ये सीईओ और बाजा कॉरपोरेशन के फाउंडर है। अगले सवाल, हाल ही में हिल्टन में भारत के लिए उपाध्याय एचआर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये साबू राघवन। राघवन विशेष रूप से भारत पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हिल्टन टीम के सदस्यों के बीच संस्कृति और प्रतिभा विकास के लिए नेतृत्व लेंगे। अगला सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिका की जेनेरिक हाइपोकेलेमिया ड्रग मीन्स दवा लॉन्च की? ये लुपिन। उपचार और हाइपोकालेमिया की रोकथाम के लिए उपयोग लिए जाने वाले ओरल सॉल्यूशन की है। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में एमआई स्मार्टफोन ब्रांड बैंड 3i लॉन्च किया? यह शाओमी है। शाओमी का भारत में 39% बाजार हिस्सेदारी है। अगले सवाल, हाल ही में पेपल ने ऑनलाइन कूपन साइट हनी की अधिग्रहण किस अरब के लिए किया? ये $4 बिलियन। अब लगभग 17 मिलियन लोग हनी ऐप को और इसका वेबसाइट को यूज करते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में इको फ्लॉक्स लॉन्च किया? ये अमेजोन है। ये एक स्मार्ट स्पीकर है जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट अलेक्सा। अगला सवाल, हाल ही में कौन सी कंपनी ने एसएमबीज के लिए नया विचार टैंक लैपटॉप लॉन्च किया? यह लेनोवो है। ये दो सीरीज में आया, थिंक बुक 14 और थिंक बुक 15 में। अगला सवाल, हाल ही में भारत के पहले जीवन बीमा पार्टनर जिनके साथ बीमा खाता उत्पाद के लिए संस्था है, यह स्पाइस मनी। इस खाता से जिसके लगभग 3 लाख ग्राहक सेवा बिंद है, मुख्यतः अर्ध शहर और ग्रामीण भारत में ये है।
अगला सवाल, हाल ही में डॉक्टर रेड्डी ने देश में डॉक्सर कालीफेरो इंजेक्शन का शुभारंभ किया। ये यूएस, यह अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन यानी यूएस एफडीए मतलब यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित हेक्ट्रोल कॉक्सिकालीफेरोन के इंजेक्शन के बिक्रियों की जेनरिक समकक्ष है। अगले सवाल, हाल ही में जेडीए नरम इंडिया के सीईओ और एमडी कौन है? सीईओ ये उमेश गौर है। जेडीए सॉफ्टवेयर इंक्लूड जो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध ने समाधान करता है। उसने उमेरा हैदराबाद में भारत में जेडीए के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगले सवाल, हाल ही में भूषण शक्ति और स्टील लिमिटेड ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व सीएमडी उसका नाम क्या है? ये संजय सिंगल। इसके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग जांच से। आज का वीडियो इतनी है, रहते हैं।